सभी वहां पे गेट के पास भी जो खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि इस मान ग्रहण कर लें। रामगोपाल मनीषा शास्त्री जी और बिंदु छत्तीसगढ़ में, और यदि उसमें कुछ हम लोगों को सफलता मिली तो हम लोग को एक बड़े संतोष का वो कारक है। लोगों के बीच में जाकर उनके सुझाव लेकर जन घोषणा पत्र बना और अब राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र बनाने की क्रिया चल रही है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे पाली में एसटीएससी ओबीसी कल्याण के संदर्भ में ये सुझाव आमंत्रित हैं विभिन्न सामाजिक और विशेषज्ञों के माध्यम से, तो ये आकलन करके राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित हुआ था क्या, लोकसभा में यही उम्मीद है कांग्रेस को? लोगों से जुड़ के जो भी काम होगा तो निसंदेह वो उस पार्टी को मदद करेगा, सहयोग करेगा। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे आज वो भी अभी तक देश की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पूरा करने में सफलता हासिल नहीं की और ना लोग उसको, मैं समझता हूँ कि सही मायने में समझ पाए। दो प्रमुख मुद्दे जो उस घोषणा पत्र में थे वो थे राइट टू हाउसिंग। आज हम घर देने की बात कर रहे हैं, 2025 तक घर का अधिकार देश के हर नागरिक को होगा। हम उसको कंसेप्ट को समझ भी नहीं पाए, शायद हम समझा भी नहीं पाए और आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अधिकारों को हमने देखा लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार जो 2014 के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के घोषणा पत्र में था उसको भी मैं समझता हूँ कि लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या कांग्रेस पार्टी कितनी क्रांतिकारी बात को सामने रख रही है। और ऐसे ही बातों को सामने लाकर मैं समझता हूँ कि देश का इस बार घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें सार्वजनिक तौर पे लोगों की भी भागीदारी होगी और उससे वो संदेश भी जाएगा कि हाँ ये जो मुद्दे हैं ये केवल ऊपरी ऊपर से नहीं बने हैं, लोगों के सुझाव को लेके बनाया गया है, तो उसका असर कहीं ज़्यादा। कर्जा माफ़ी निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा माना है, राज्यों ने अपना दायित्व लिया है और यूपीए की सरकार ने 70 से 80 हज़ार करोड़ का ऋण मुक्ति का एक निर्णय पहले लिया था। मैं समझता हूं कि सुझाव में, हालांकि ये विषय आज के परिचर्चा का नहीं है लेकिन फिर भी ये सुझाव जरूर जाएगा कि किसानों के कर्ज के संदर्भ में भी जो नई सरकार आए उस पर विचार करे। राज्य सरकार ने यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ही बुनियादी परिवर्तित योजना को रखा है जो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल से हट के नेशनल हेल्थ स्कीम के तर्ज पे, अर्थात सरकार पूरे खर्च को वह करेगी, इंश्योरेंस कंपनी बीच में नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनी का जो मॉडल है, आयुष्मान का भी जो मॉडल है, एक इसमें 1100 रुपये का कैप है। 1100 रुपये में से 660 रुपये राज्य सरकार को और 440 रुपये केंद्र सरकार को देना है, तो इतना खर्चा अगर राज्य सरकार को करना ही है तो कई राज्यों ने इसको अडॉप्ट भी नहीं किया। तमिलनाडु ने नहीं किया, आंध्रा ने नहीं किया होगा, उड़ीसा ने नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने नहीं किया, तो राज्य के ही खर्चे से केंद्र की सरकार अपना नाम कमाने की कोशिश कर रही है और इसमें अड़चन कहाँ आती है? मेरे पास भी कार्ड है, आपके पास भी कार्ड है, क्या हर कार्ड को निजी अस्पताल स्वीकार कर रहे हैं? निजी अस्पताल कहते हैं पहले भी, ये तो अब 5 लाख वाला ये आयुष्मान अभी आया है, पहले भी जब 30,000 या 50,000 के लिमिट के कार्ड थे तो उस समय भी अनेकों उदाहरण आपके भी जानकारी में होंगे कि निजी अस्पतालों में जब कार्ड धारक जाते थे तो डॉक्टर कहते थे कि हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो कार्ड आप बनाओगे और लागू नहीं है तो लाभ किसको मिलेगा? फिर लाभ मिलेगा तो राज्य की सरकार, तो राज्य सरकार से ही लाभ मिलना है तो बीमा कंपनी को पैसा क्यों देना? आप बजट बढ़ाइए और डायग्नोस्टिक से लेके दवाई से लेके ऑपरेशन का पूरा खर्चा राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए वहन करे। और यही राइट टू हेल्थ 2014 के घोषणा पत्र में अंकित था, हम लोग उसको छत्तीसगढ़ में लागू करना चाहते हैं।